हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैंने लास्ट वीडियो जो पोस्ट करी थी वो न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर प्रोग्राम की करी थी, जहाँ पे मैंने 6 एम्प्लॉयर के नेम बताए थे और उन 6 एम्प्लॉयर को मैंने एक एम्प्लॉयर को ओपन करके भी बताया था कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। यहाँ पे जो कंपनी मैंने आपको बताई थी उसमें 620 प्रोफाइल्स थी। 620 प्रोफाइल में अभी हायरिंग चल रही है, आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बात करेंगे आज हम इस वीडियो पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको सारा कुछ बता चुकी हूँ कि कौन सी कंपनी हायरिंग कर रही है, कैसे आप हायरिंग पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी प्रोफाइल उनकी प्रोफाइल की से सूट करती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आफ्टर गेटिंग योर जॉब लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर, उसके बाद हमको क्या करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम ये लॉन्च क्यों हुआ था, क्योंकि जो 6 एम्प्लॉयर थे उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही थी, इसलिए वो बाहर से हायर कर सकते, तो पहली ये चीज़ है। लेकिन उसके बाद भी जब आप अप्लाई करते हैं, अभी आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे, तो उसके बाद भी आपको वहाँ पहुँचने में कम से कम 6 मंथ का टाइम लगेगा। अब किसी कंपनी को अभी ज़रूरत है और आप 6 महीने बाद पहुँचेंगे तो हो सकता है वो रिक्वायरमेंट पहले फुलफिल हो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको अगर ऑफर लेटर मिला है तो आपके बदले वहाँ पे कोई और होता है। ये मैं लाइन इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे अप्लाई करने के लिए। न्यू ब्रंसविक अभी बहुत मतलब कि फेस कर रहा है ये इशू कि उसके उनके पास अभी एम्प्लॉय ही नहीं है कि वो हायर कहाँ से करें। इसीलिए न्यू ब्रंसविक ने एक वर्चुअल इवेंट भी स्टार्ट किया है फॉर रिक्रूटमेंट। अभी वहाँ पे बहुत सारे रिक्रूटमेंट वर्चुअल हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी हैं जो वो क्या करते हैं इन प्लेस में जाके, मतलब कि आपको फिजिकली वहाँ पे पहुँचना होगा। जैसे अभी पेरिस में वो लोग इवेंट कर रहे हैं, मोरक्को में इवेंट कर रहे हैं, बट वहाँ पे तो आप जा नहीं सकते हैं। तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो ऑनलाइन इवेंट हैं वहाँ पर आपको साइन अप करना है। वो मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगी यहाँ पे कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कौन से पेज पे आपको जाना है। अब बात करते हैं कि आपको वहाँ से ऑफर लेटर मिल गया है, चाहे तो वो वर्चुअल इवेंट के थ्रू मिला या फिर डायरेक्टली जो मैंने आपको कंपनीज के नाम बताए वहाँ पे आपने जॉब के लिए अप्लाई किया और आपको वहाँ से ऑफर लेटर आ गया। सबसे पहले ऑफर लेटर आना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे ही आप ऑफर लेटर होता है आपके पास, तो आप न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल पायलट प्रोग्राम के अलावा और भी कई ऐसे प्रोग्राम हैं जहाँ पे आप एलिजिबल हैं। फॉर एग्जांपल अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, यहाँ पे भी आप एलिजिबल होते हैं और वहाँ पे आपको 4 प्रोविंस पे आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कैनेडा से कहीं से भी आपके पास ऑफर लेटर होता है तो आप PR तो नॉर्मली डाल ही सकते हो उस प्रोविंस नॉमिनी प्रोग्राम में। अब यहाँ पे ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिनका CRS स्कोर बहुत कम है या फिर उनकी जो एजुकेशन है बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी यहाँ पे आप 19 से 55 तक अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी एजुकेशन 10th तक है और आप ECA नहीं करवा सकते हो और आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो आपको वहाँ से एक लेटर लिख के दे दें कि आपकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको ECA करवाने की, या ठीक इसी तरीके से अगर आपको IELTS के एग्ज़ाम नहीं देना है तो कंपनी अगर आपको लिख के देती है एक ऑथराइज लेटर पे कि आपको वहाँ से आपको IELTS के देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ECA और IELTS ना करो। अगर आपके पास ECA और IELTS होता है तो आपका जल्दी से अप्लाई होगा और आपको बाकी लोगों से ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है, IELTS के लिए जो स्कोर चाहिए होता है वो 3.5 4 बैंड SHE में कि CLB 4 में भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये मेन रिक्वायरमेंट होती है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जिन जो लोग पिछली वीडियो नहीं देख पाए तो मेन जो रिक्वायरमेंट है वो समझ पाए। अब बात करते हैं कि आपको ऑफर लेटर मिल गया तो इसके बाद आपको क्या करना है, नॉमिनेशन के लिए अप्लाई करना है अपने ऑफर लेटर के साथ, क्योंकि जब आपको ऑफर लेटर मिल जाता है तो आपको नॉमिनेशन भी मिल जाएगा। बस ये है कि आपको सही डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। जैसे ही आपको नॉमिनेशन मिल जाता है आप साइट में जाके देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर नॉमिनेशन, क्योंकि अगर आपको जगह कोई और तो आपका ऑफर लेटर नहीं लेकर आएगा, आपको ही इंटरव्यू देना पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं कि नहीं वो लोग तो इतना पैसा लेके आपको ऑफर लेटर दे रहे हैं,
दैट मीन्स कि वो फेक है। अगर कोई भी एम्प्लॉयर आपको हायर करेगा, एटलीस्ट वो जानेगा तो सही कि आप उनकी प्रोफाइल के लिए सुटेबल हो या नहीं हो, क्योंकि अच्छी खासी सैलरी वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आप जहाँ पे भी, अगर आप खुद से नहीं कर रहे हैं काम, तो कोई भी सिर्फ पैसा लेकर तो आपको जॉब नहीं दे सकता। इंटरव्यू आपको ही देना है, इंटरव्यू क्लियर भी आपको करना है। अगर आप इंडिया में हो और यहाँ पे कहीं पे जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो, तो भी कंपनी आपसे इंटरव्यू लेती है, चाहे वो 10,000 की ही क्यों ना आपको जॉब दे। वहाँ पे तो आपको लाखों में सैलरी मिलेगी, तो वो क्यों नहीं आपसे इंटरव्यू लेगा या लेगी, जो भी कंपनी है। तो इसके बाद जैसे ही आपको ऑफर लेटर मिलता है, आपने नॉमिनी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, उसके बाद जैसे आपको नॉमिनी सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके बाद आप अपना वर्क वीज़ा, देन फिर पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने पहले वर्क वीज़ा क्यों बोला। क्योंकि आपको इस पीआर के प्रोग्राम में जो 17 से 18 महीने लगते हैं, आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे आपको ऑफर लेटर आता है, आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। 1 साल का वर्क वीज़ा आपको पहले मिल जाता है, ताकि वो आपको जल्दी बुलाना चाहते हैं। उस ड्यूरिंग द वर्क वीज़ा आपको पीआर भी मिल जाएगा, बट पीआर का प्रोसेसिंग टाइम होता है 12 to 18 मंथ्स उस प्रोग्राम के लिए। तो इतना टाइम उनको चाहिए होता है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देने के लिए, क्योंकि आपसे पहले और भी लोग लाइन में। इस प्रोसेस को, या इस जो ये प्रोसेस होता है, पहले वर्क वीज़ा, पहले आपको ऑफर लेटर मिलेगा, देन आप नॉमिनी सर्टिफिकेट लेकर आएंगे, देन आपको वर्क वीज़ा मिलेगा, देन आपको पीआर मिलेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं T3, वर्क वीज़ा एंड पीआर वीज़ा। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको वर्क वीज़ा मिलने के बाद पीआर नहीं मिलेगा, चांसेस हैं कि आपको पीआर वीज़ा मिलेगा, बट आपको सही डॉक्यूमेंट, सही रिक्वायरमेंट उनकी फुलफ़िल करनी होती है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर हमारे पास नॉमिनी सर्टिफिकेट आ जाता है, उसके बाद जब हम वीज़ा वगैरह अप्लाई करते हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगी जो आपको पहले से तैयार रखने हैं। चाहे आप किसी भी प्रोग्राम के थ्रू जाएं, आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करें, तो दोनों का, आपका हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का ही आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। सेकेंड, मैरिज सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट मैरिज सर्टिफिकेट आप ये प्रूफ नहीं कर पाओगे कि आप दोनों शादीशुदा हो। तो इसलिए मैरिज सर्टिफिकेट भी बना के रखना, क्योंकि नॉर्मली इंडिया में 2 से 2.5-3 महीने तक लग जाते हैं मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए। क्योंकि जब आपको नॉमिनेशन मिलता है, उसके बाद आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप मैरिज सर्टिफिकेट बनाओ। तो आप अगर कनाडा के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ पे किसी भी प्रोग्राम के लिए आप जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि टूरिस्ट वीज़ा में भी अगर आप जाना चाहते हैं, तो भी आप मैरिज सर्टिफिकेट बना के रखिए। इसके अलावा थर्ड है पासपोर्ट की फोटोकॉपी। इसके अलावा ट्रैवल के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे आपको चाहिए। एंड अपने, आपके पास अगर बच्चे हैं, तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स। ये बहुत बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं, जहाँ पर आप हर जगह चाहिए होंगे। टूरिस्ट वीज़ा, वर्क वीज़ा, पीआर वीज़ा, चाहे कोई भी प्रोग्राम क्यों ना हो पीआर वीज़ा का। इसके बाद एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स। एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स में, जो कि मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, तो ज़्यादा लंबा नहीं बताऊँगी यहाँ पे मैं, आपको अपनी एजुकेशन का प्रूफ देना होगा। दैट मीन्स कि ईसी लैंग्वेज के लिए आपको आयल्स का आपको प्रूफ देना है कि हाँ, आपने आयल्स का एग्ज़ाम दिया है। अगर आपने ये सारा कुछ नहीं किया, तो जो मैंने आपको बताया है कि आपको एक ऑथराइज साइंड आपको अटैचमेंट लेनी होगी एम्प्लॉयर के थ्रू। अगर आपको एम्प्लॉयर परमिशन दे देता है, तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो लेटर उस पर देना है। एंड वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस के, आपका जो आपकी होम कंट्री है, वहाँ पे कितना वर्क एक्सपीरियंस है, एंड कौन सी प्रोफाइल है, तो इसका भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि आपको वर्क एक्सपीरियंस भी प्रूफ करना पड़ेगा, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ आप एक्सपीरियंस लेटर वगैरह तो लगाएंगे, बट एक रेफरेंस लेटर भी अपने जो पास्ट या प्रेजेंट एम्प्लॉयर हैं उनसे ज़रूर करवाइएगा। क्योंकि उसमें जो लिखा होता है कि आपके वहाँ पर जॉब ड्यूटीज़ क्या थी या क्या है, और आप कब से कब तक काम कर रहे हो, किस ईयर से कर रहे हो, कितने आवर्स आप काम कर रहे हो, ये सारी डिटेल उसमें होती है। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे आपको क्या क्या लिखवाना है, तो आप नॉर्मली गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो रेफरेंस लेटर की कुछ सैम्पल पेपर, जहाँ पे आप सेम वैसा लिखवा सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो एम्प्लॉयर कनाडा से आपको ऑफर लेटर देगा, तो वहाँ से आपको उनके डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे कि आपके और उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट, जो ऑफर लेटर जो उन्होंने दिया है, कब से कब तक वो आपको जॉब देंगे, क्या सैलरी देंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो वैसे एम्प्लॉयर खुद ही अपलोड करता है। बट आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर गलत होता है, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है।
इसके अलावा एम्प्लॉयर आपके यहाँ पे सेटलमेंट प्लान जो आपके वहाँ पे होते हैं वो खुद ही एम्प्लॉयर अपलोड कर देता है, बट आपकी तरफ से ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं इस प्रोग्राम में, तो आप इजीली इतना कर सकते हो कि बहुत बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंने अभी आपको जो बता दिया है कि आपको कौन कौन सी कंपनी हायर कर रही है, कौन कौन से प्रोग्राम में है और कौन कौन सी प्रोफाइल है, और उसके बाद कहाँ कहाँ पे अभी वर्चुअल इवेंट पे हैं, और इसके अलावा ऑफर लेटर मिलने के बाद आप नॉमिनी सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एम्प्लॉयर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकता है। अब उसके बाद करते हैं इस प्रोग्राम की प्रोसेसिंग फ़ीस क्या है। इस प्रोग्राम की जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो गवर्नमेंट ने बहुत ही कम रखी है, क्योंकि उनको मेन फोकस करना है कि जो वहाँ की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। इस प्रोग्राम की प्रोसेसिंग फीस जो है $250 इसकी प्रोसेसिंग फीस है, जो कि अगर मैं बाकी प्रोग्राम से अगर कंपेयर करूँ तो काफ़ी कम है। तो अभी तक तो मैंने आपको बताया कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, लेकिन अगर ये भी आपको बहुत ज़रूर देखना है कि आप कब अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपने किसी और पीआर प्रोग्राम में अप्लाई कर रखा है तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और इसके अलावा अगर आप न्यू ब्रंसविक के किसी भी और प्रोग्राम में भी आपने अप्लाई किया है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप कनाडा से अप्लाई कर रहे हैं और कनाडा में आप इलीगली रह रहे हैं, मीन्स कि आपका वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी अगर आप रह रहे हैं वहाँ पे, तो भी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड है, मैंने आपको बताया एक्सप्रेस एंट्री में अगर आपकी फाइल है तो अप्लाई नहीं कर सकते, न्यू ब्रंसविक में अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपकी फाइल ऑलरेडी है, और आप इलीगल रहते हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा आप किसी भी और पीएनपी में आपने अप्लाई किया हुआ है तो भी आप इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप इस तरीके से न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। और भी कुछ आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड बिना सब्सक्राइब किए यहाँ से बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।